हाय एंड वेलकम बैक एवरी वन वेलकम टू एल एक्सर अकेडमी दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बी एड फर्स्ट ईयर का पेपर टू कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन लेक्चर ट्वेंटी थ्री हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक है रिकमेंडेशन ऑफ एन पी ई नाइनटीन एटी सिक्स चलिए देखते हैं डिस्कस द मेन रिकमेंडेशन ऑफ एन पी ई यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन एटी सिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स चलिए इसे देखते हैं द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन शॉर्ट फॉर्म एन पी ई वॉज फॉर्मुलेटेड इन नाइनटीन एटी सिक्स इन इंडिया विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ एजुकेशन इन द कंट्री तो एन का गठन 1986 ईस्वी में इस लक्ष्य के साथ किया गया था कि भारत की एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा डेवलप कैसे बनाया जाए द पॉलिसी एड्रेस्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग एस इक्विटी क्वालिटी एंड रेलिवेंस तो इस नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस भी दिए बहुत सारे मुद्दों को सही भी किया एजुकेशन से रिलेटेड जिसमें कि एससेस था मतलब सभी लोगों को एजुकेशन का एससेस मिल सके सब लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो सके सुलभ हो सबको शिक्षा इक्विटी जो कमी है जिन ऑपरेस्ड uh, ग्रुप या फिर मार्जिलाइट सेक्शन के ग्रुप के बच्चों को उनको इक्विटी के तहत जैसे स्कॉलरशिप होती है और रिजर्वेशंस जैसे होता है वो सब कुछ की व्यवस्थाएँ इनको फैसिलिटी दी गई ताकि वो उनके बच्चे जो गरीब परिवार के हैं उनको पढ़ाई लिखाई करने में और सुविधा हो सके साथ ही साथ क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया और एजुकेशन जो भी है रेलेवेंट बनाया गया एजुकेशन की रेलिवेंसी को भी ध्यान रखा गया कि एजुकेशन ऐसी दी जाए दी जानी चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के काम आए हियर आर द मेन रिकमेंडेशनस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन तो एन पी के जो मुख्य रिकमेंडेशंस हैं जो मुख्य सुझाव हैं वो कुछ इस प्रकार हैं सबसे पहला है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ़ एजुकेशन यानी कि सभी व्यक्ति के लिए सभी स्टूडेंट्स के लिए चाहे वो किसी भी कास्ट के हों किसी जेंडर के हों सबको एक समान एजुकेशन की व्यवस्था देना है द एन पी ई इम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ फोर्टीन तो एन पी ई ने डिसाइड किया ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन ने ये इस चीज़ पर ध्यान दिया कि जितने बच्चे हैं चौदह साल से कम उम्र के उन सब का हक है उन सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए इट एम्ड टू इंश्योर दैट नो चाइल्ड इज डिनाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड दैट स्पेशल एफर्ट्स आर मेड टू रीच आउट टू मार्जिनलाइज्ड एंड डिसवानज ग्रुप्स यानी कि इस कमेटी ने भी कमेटी नहीं ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एन ने भी इस बात पर को अपना लक्ष्य बनाया कि जितने भी बच्चे हैं भारत के चौदह साल से कम उम्र के उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तो मिलना ही चाहिए साथ ही साथ किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए खासतौर पर जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चे हैं जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया गया इसमें और ज़्यादा बेहतर इसमें एफर्ट्स लगाए गए फिर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस यानी कि इक्वालिटी का व्यवस्था होना चाहिए और सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय भी होनी चाहिए एजुकेशन के प्रोसेस में द पॉलिसी इम्फेसाइज द नीड टू रिमूव डिस्पैरिटीज इन एसेस टू एजुकेशन एंड टू प्रमोट इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस यानी कि सभी बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था करी जानी चाहिए बिना कोई भेदभाव के एक ऐसे से सबको मिलना चाहिए एजुकेशन का डेस्पेरिटी को कम करना चाहिए ताकि समाज में समता का भाव बन सके समाज में लोगों को न्याय मिल सके किसी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक जाति का बच्चा का एडमिशन ले लिया गया दूसरे जाति के बच्चे का एडमिशन नहीं ले लिया गया इट एम्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज डिफरेंट रीजन्स एंड डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप्स थ्रू अफर्मेटिव एक्शन एंड स्पेशल प्रोविजन्स तो एन ने इस बात को अपना लक्ष्य बनाया कि रूरल और अर्बन एरियाज़ यानी ग्रामीण और शहरी इलाकों में जो शिक्षा का अंतर देखने को मिलता है ये अंतर कम हो यानी कि ग्रामीण इलाकों में भी स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई और अलग अलग इलाकों में और डिफरेंट सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स जहाँ थे सभी जगह पर अफर्मेटिव एक्शन लिए गए और स्पेशल प्रोविजन्स दे करके सब लोगों को एक समान शिक्षा देने का प्रयास किया गया और सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास किया गया है क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने का भी इन्होंने सुझाव दिया द एन पी ई रिकोगनाइज द नीड टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स ठीक तो एन पी ई ने भी यह सुझाव दिया कि सभी लेवल पर प्राइमरी लेवल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन के लेवल को और बेहतर बनाने की जरूरत है इट इम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग ठीक इसने इस बात को भी जोड़ दिया कि टीचर को ट्रेंड होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग ज़रूरी है करिकुलम डेवलपमेंट यानी पाठ्यक्रम का और विकास होना ज़रूरी है एंड द प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज और स्कूल में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए और जितनी रिसोर्सेज जरूरी होनी चाहिए वो सब मतलब दी जाए द पॉलिसी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ सच एज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जिसे हम एन सी ई आर टी कहते हैं एंड द नैशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन एन बी ए टू प्रमोट क्वालिटी एश्योरेंस यानि कि इस एन पॉलिसी के तहत रिकमेंडेशन किया गया कि ऑटोनोमस बॉडीज़ स्वतंत्र बॉडीज़ का कुछ स्थापना किया जाए जैसे कि एन है जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और एन नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन तो इन दोनों की स्थापना का इन्होंने एक सुझाव दिया ताकि प्रमोट हो सके क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि एन और एन का काम है एजुकेशनल क्वालिटी को चेक करना हमारे देश में शिक्षा का क्वालिटी कैसा है ये दोनों निर्धारित करने का काम एन और एन का है फिर सुझाव दिया गया आगे वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एजुकेशन को रोजगार परक बनाने का भी सुझाव दिया गया द पॉलिसी हाईलाइटेड द नीड टू इंटीग्रेट वोकेशनल एजुकेशन इन टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम तो एन ने भी सेम वही सुझाव दिया जो कोठारी सब कमीशन ने दिया था कि एजुकेशन को वोकेशनलाइज करने की ज़रूरत है ठीक और जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम है उसमें वोकेशनल एजुकेशन को जोड़ा जाए इट एम्ड टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द नेसेसरी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज टू एंटर द वर्क फोर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशंस डेवलपमेंट तो एन ने भी ध्यान दिया कि एजुकेशन में अगर वोकेशनल एजुकेशन को दिया जाए फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ तो स्टूडेंट्स को जो वर्कफोर्स में आने के लिए नेसेसरी स्किल्स जो चाहिए वो उन्हें पहले ही मिल जाएगी और जिससे वो आसानी से उनको रोज़गार मिलेगा और देश का डेवलपमेंट में वो लोग भागीदारी निभाएंगे अपना द एन पी ई रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम्स एट द सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन लेवल तो एन पी ए ने रिकमेंड किया वोकेशनल एजुकेशन को अपने एजुकेशन सिस्टम में लाना है लेकिन किस लेवल पर लाना है तो सेकेंडरी लेवल पर लाना है और हायर एजुकेशन लेवल्स के स्तर पर लाना है वोकेशनल एजुकेशन को नेक्स्ट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी द पॉलिसी रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड एडवोकेटेड फॉर इट्स इंटीग्रेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो एन ने इस बात का भी सुझाव दिया कि टेक्नोलॉजी का अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा यूज है उसको अच्छे से यूज किया जाए इट रिकमेंडेड द यूज ऑफ educational technology such as computers multimedia to enhance the quality and effectiveness of education तो इन्होंने रिकमेंड किया एन पी ई ने कि एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर्स मल्टीमीडिया जैसे रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए ताकि एजुकेशन की क्वालिटी और बेहतर हो सके द एन पी ई ऑल्सो इम्फेसाइज द नीड फॉर टीचर ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पेडागोजी एन ने इस बात का पर भी जोड़ दिया कि टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है टीचर को ट्रेंड करने के बाद ही पढ़ाने का मौका दिया जाना चाहिए और टीचर को साथ ही साथ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड पेडागोजी पढ़ाने ही आना चाहिए मतलब कि टीचर को भी टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करने आना चाहिए आगे इनका रिकमेंडेशन था स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडल्ट एजुकेशन द एन पी ई रिकोगनाइज द इम्पोटेंस ऑफ एडल्ट एजुकेशन फॉर द इम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कम्यूनिटीज़ ये एन पी ई ने कुछ अलग किया पिछले बाकी सब से एन पी ने इस बात को भी समझा कि बच्चों के साथ साथ जो एडल्ट बड़े लोग जो हैं उनको भी थोड़ा पढ़ाने लिखाने का ज़रूरत है क्योंकि अपने भारत के बहुत सारे लोग साक्षर नहीं थे खासकर एडल्ट वर्ग के लोग इट रिकमेंडेड द एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स विथ फोकस ऑन फंक्शनल लिटरेसी वोकेशनल स्किल्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट तो इन्होंने सुझाव दिया कि जो बड़े लोग हैं उनको सिखाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए और एडल्ट एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने फोकस किया फंक्शनल लिटरेसी मतलब बहुत ज़्यादा उनको कोई सब्जेक्ट का जाता नहीं बनाना था बस फंक्शनल लिटरेसी इतनी उनको मतलब पढ़ सकें वो अच्छे से लिख सके कैलकुलेट कर सके ये सारा ज्ञान बस थोड़ा देना था और साथ ही साथ वो जो भी काम करते हैं उस काम को और बेहतर बनाने के लिए उनको जो वोकेशनल स्किल्स चाहिए थी ये ट्रेनिंग दी गई ताकि कम्युनिटी डेवलपमेंट अच्छे से हो सके नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस द पॉलिसी इम्फेसाइज द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडियाज रिच लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल हेरिटेज तो एन ने इस बात पर जोर दिया कि इंडिया का जो बहुत ही बेहतर कल्चर है बहुत सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती है इसको सुरक्षित रखा जाए इसको प्रिजर्व रखा जाए इट रिकमेंडेड द डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ़ इंडियन लैंग्वेजेस एज मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन तो सुझाव ये दिया गया कि भारत के जो सब इलाके हैं उन इलाकों में Uh, उनकी भाषा का जो लोकल लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज का ही यूज़ किया जाए एजुकेशन लेवल में सो वाई इल ऑल्सो रिकोगनाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज और इस बात को भी इन्होंने समझा कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है नेक्स्ट सुझाव था इनका एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को लेकर के द एन पी ई हाईलाइटेड द नीड फॉर इफेक्टिव एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट तो एन पी ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि जरूरी है एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरह से करने की इट रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टू एंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप एट द लोकल लेवल तो एजुकेशनल प्लानिंग और मैनेजमेंट में इन्होंने कहा कि पावर को डिसेंट्रलाइज करा जाए यानी कि लोकल पीपल को भी शामिल किया जाए एजुकेशन से रिलेटेड जो प्लानिंग करनी है और मैनेजमेंट के फील्ड में द पॉलिसी ऑल्सो स्ट्रेस्ट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एडवोकेट फॉर एडवोकेटेड फॉर इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन तो इस पॉलिसी ने इस बात को भी समझा और बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए भाई ऐसे इतने बड़े प्रोग्राम को अच्छे से सक्सेसफुल करने के लिए और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि जितनी भी गवर्नमेंट का जो है फंड वो एजुकेशन में अच्छे से खर्च में लगाना चाहिए गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को अपने बजट का एक अच्छा खासा हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर स्पेंड करना चाहिए ये भी इन्होंने रिकमेंड किया सो दीज आर सम ऑफ द की रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन नाइनटीन इट प्रोवाइडेड अ ब्रॉड विजन एंड डायरेक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ़ एजुकेशन इन इंडिया and सर्व as अ गाइडिंग फ्रेमवर्क फॉर subsequent रिफॉर्म्स एंड initiatives इन in the फील्ड ऑफ एजुकेशन तो ये सारे हमने देखा कुछ बहुत ही important recommendations थे NPE पी ई के और इन रिकमेंडेशंस ने एन पी ई ने इन रिकमेंडेशन के द्वारा अपना ब्रॉड विजन दिखाया और डायरेक्शन दिया भारत में एजुकेशन को डेवलप करने के लिए इनके द्वारा दी गई जो गाइडलाइंस थी वो एक फ्रेमवर्क की तरह यूज हुई बाकी जो रिफॉर्म्स हुए एजुकेशन के सेक्टर में उनके लिए एक आधार बना ताकि इंडिया के एजुकेशन के फील्ड में और ज़्यादा तरक्की हो सके विकास किया जा सके